हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टेप फॉर लर्निंग में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग रिवाइज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। तो आप सब एक बार फिर याद कीजिए कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि आता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस से ये पता चलता है कि कोई काम एक निश्चित समय से चलता रहता है। कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई आदत संबंधी कार्य है, वो नियमित रूप से होता रहता है, इससे यही पता चलता है। तो आज हम लोग प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित हिंदी वाक्यों को का हम अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। देखिए, हमारा पहला वाक्य है मैं अपना पाठ प्रतिदिन याद करता हूँ। तो देखिए, ये एक्शन है, क्या है? हैबिचुअल एक्शन है, जो काम है वो प्रतिदिन हो रहा है, इससे आदत संबंधी कार्य का बोध हो रहा है। तो मैं अपना पाठ प्रतिदिन याद करता हूँ। तो मैं की अंग्रेजी क्या होता है? मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। क्या होती है? आई। तो आई आई लगा दिया हमने। अब देखिए, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य पढ़े होंगे, तो क्या होगा अफर्मेटिव में? जब कर्ता आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो इन सब के साथ वर्ब की क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ आई हो गया, तो आई लर्न माई लेशन डेली। आई लर्न माई लेशन डेली। अगला वाक्य देखिए, वह अपने माता पिता के साथ दिल्ली जाती है। अब देखिए, वह आया है और यहाँ जाती है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि वह जो है स्त्री के लिए आया है। तो स्त्री के लिए वह की अंग्रेजी क्या होती है? सी। अब जैसे सी आ गया, ही सी इट और किसी का नाम हो या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उनके साथ क्रिया की मूल रूप में यस या ईएस जोड़ा जाता है, है ना? तो अब देखिए, जैसे कर्ता ही होगा, सी होगा, कर्ता इट हो, किसी का नेम हो, तो इन सब के साथ वर्ब तो लगेगा ही, उसमें यस या ईएस जोड़ा जाएगा अफर्मेटिव वाक्यों में, है ना? जब अफर्मेटिव होगा, है ना, जब अफर्मेटिव होगा, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो सी क्रिया क्या है? गोज टू दिल्ली। सी गोज टू दिल्ली विथ। अब देखिए, जब कर्ता सी हो तो यहाँ अपने के लिए क्या आता है? हर आता है। ये पसेसिव एडजेक्टिव है, है ना? तो जब कर्ता सी हो तो अपने के लिए हर आएगा, कर्ता आई हो तो अपने के लिए माई आएगा, कर्ता वी हो तो अपने के लिए आवर आएगा, कर्ता यू हो तो अपने के लिए योर आएगा, ही हो तो अपने के लिए हिज आएगा, इट हो तो अपने के लिए इट्स आएगा, दे हो तो अपने के लिए देयर आएगा। दे की जगह पे कोई प्लूरल नाउन हो सकता है, जैसे द बॉयज हो गया, द गर्ल्स,
है ना, द स्टूडेंट्स, इन सब के लिए क्या आएगा, देयर आएगा, है ना। तो देयर का मतलब थर्ड पर्सन का कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए, अपने के लिए क्या आएगा, देयर आएगा। तो सी गोज टू दिल्ली विथ हर पेरेंट्स, ठीक है। सी गोज टू दिल्ली विथ हर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के साथ दिल्ली जाती है। अब नेक्स्ट वाक्य देखिए, अच्छे विद्यार्थी अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं। तो अच्छे विद्यार्थी इसमें सब्जेक्ट होगा, तो अच्छे विद्यार्थी की अंग्रेजी क्या होगा, क्या होगी, गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स, अब गुड स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, जब प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो क्रिया का क्या होगा, मूल रूप लिखा जाएगा, तो गुड स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट, गुड स्टूडेंट रिस्पेक्ट। अब देखिए गुड स्टूडेंट्स क्या है, गुड स्टूडेंट्स ऐसा सब्जेक्ट है जो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो यहाँ दे के जगह पे आएगा, थर्ड पर्सन में आएगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या लगेगा, अपने के लिए देयर, गुड स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट देयर देयर टीचर्स देयर टीचर्स। नेक्स्ट वाक्य देखिए, राधा मधुर गीत नहीं गाती है, राधा मधुर गीत नहीं गाती है, तो राधा इस वाक्य का सब्जेक्ट है, तो राधा की अंग्रेजी लिखिए राधा। अब जैसे निगेटिव हुआ तो निगेटिव में ही सी इट नेम और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में डज नॉट लगता है, और जैसे ही डज नॉट लगा तो क्रिया की मूल रूप लिख दी जाती है, तो राधा डज नॉट सिंग सिंग स्वीट सॉन्ग स्वीट सॉन्ग, ठीक है, राधा डज नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट वाक्य देखिए, वह अपने मित्रों से प्यार नहीं करता है, वह अपने मित्रों से प्यार नहीं करता है, तो क्या होगा, करता है, तो वह किसके लिए आया है, लड़की के लिए आया है, तो ही के साथ भी डज नॉट आएगा, ही डज नॉट लव, जब करता ही है तो अपने के लिए क्या आएगा, हिज आएगा, क्या आएगा, हिज हिज फ्रेंड्स। तो क्या होगा, ही डज नॉट लव हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाक्य देखिए, अच्छे लड़के बुरे लड़कों की संगति पसंद नहीं करते हैं, अच्छे लड़के बुरे लड़कों की संगति पसंद नहीं करते हैं, ये अच्छी बात है, और बुरे लड़के अच्छे लड़कों की संगति पसंद नहीं करते हैं, तो हमारा वाक्य क्या है, अच्छे लड़के बुरे लड़कों की संगति पसंद नहीं करते हैं, तो संगति है ना, संगति पसंद नहीं करते हैं, तो अच्छे लड़के क्या की अंग्रेजी क्या होगी, गुड बॉयज, गुड बॉयज। अब जैसे ही गुड बॉयज क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें क्या लगता है, डू नॉट लगता है, हेल्पिंग वर्ब जब निगेटिव होता है तो वाक्य, तो गुड बॉयज डू नॉट लाइक लाइक द कंपनी ऑफ, संगति के लिए क्या लगाएंगे, द कंपनी ऑफ, द कंपनी ऑफ बैड बॉयज, बैड बॉयज, है ना, गुड बॉयज डू नॉट लाइक द कंपनी ऑफ बैड बॉयज। नेक्स्ट वाक्य देखिए, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती हैं, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती हैं,
तो क्या पहले आ गया, जब क्या पहले आता है किसी भी वाक्य में तो वाक्य की शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से, और वह हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आता है, सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज योर मदर, डज योर मदर, मदर लव यू, लव यू। नेक्स्ट वाक्य देखिए, क्या अमीर लोग गरीब लोगों की मदद करते हैं, क्या अमीर लोग गरीब लोगों की मदद करते हैं, तो अमीर लोग की अंग्रेजी क्या होगा, द पुअर, सॉरी द रिच, क्या होगा, द रिच। तो इस वाक्य की शुरुआत भी किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, अमीर लोग, तो अमीर लोग की अंग्रेजी क्या होगा, द रिच, द रिच क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके अनुसार क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, डू, डू द रिच, डू द रिच हेल्प, हेल्प, और गरीब लोगों की अंग्रेजी क्या होगा, द पुअर, द पुअर। अब ऐसा नहीं करना है कि अमीर लोगों के लिए द रिच पीपल लगा दिया और गरीब लोगों के लिए द पुअर पीपल लगा दिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव से, जैसे हम कह रहे हैं कि द पुअर, द पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब लोग, क्या होता है, गरीब लोग, ये बहुवचन है, क्या है, बहुवचन है, ठीक है। उसी तरह से हम द रिच लगा दिए तो क्या हो गया, इसका मतलब अमीर लोग। द प्लस एडजेक्टिव से क्या होता है, प्लूरल नाउन का बोध होता है, ठीक है। उसी तरह से हमने लगा दिया द, द लेम, लेम माने क्या होता है, लंगड़ा, क्या होता है, लंगड़ा, तो हमने द लेम लगा दिया तो क्या हो जाएगा, लंगड़े लोग, लंगड़े लोग, ठीक है। उसी तरह से लगा दिया द डीफ, डीफ माने क्या होता है, बहरा, क्या होता है, बहरा, तो क्या हो जाएगा, बहरे लोग, बहरे लोग, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ और वाक्य ले रहे हैं, द डम्ब, द डम्ब, डम्ब माने क्या होता है, गूंगा, तो उससे पहले क्या लगा दिया, द, तो क्या हो जाएगा, गूंगे, गूंगे लोग। तो ऐसी द प्लस एडजेक्टिव से प्लूरल नाउन का बोध होता है, और जैसे ही ये सब्जेक्ट की जगह पे जाएंगे तो ये प्लूरल वर्ब ही लेंगे अपने साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाक्य हमारा है, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसमें आपको सीखने को मिलेगा, जैसे ही कौन सब्जेक्ट का काम करता है, दो टेंस हैं, एक तो हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, और दूसरा है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। ये दो वाक्य ऐसे हैं, इन दो, दो टेंस ऐसे हैं, जब भी इन दो टेंस में हु का प्रयोग कर्ता के रूप में होता है तो ये अपने साथ सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेते हैं, यानी जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसी तरह से इनका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, समझते हैं इस बात को। तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, तो देखिए कौन यहाँ सब्जेक्ट है, तो जैसे ही कौन सब्जेक्ट का काम करता है और प्रश्न पूछे, प्रश्न भी पूछा जाता है, तो यहाँ हु जो है सब्जेक्ट का काम करेगा, हु, तो क्या हो जाएगा, कम्स, हु कम्स टू योर हाउस, योर हाउस,
हु कम्स टू योर हाउस डेली, ठीक है, हु कम्स टू योर हाउस डेली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, दूध कौन पसंद नहीं करता है ना, दूध कौन पसंद नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, who doesn't like milk, दूध कौन पसंद नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, वे कितनी पेंसिलें चाहते हैं, तो कितना कितनी है ना। एक बात को समझिए, हाउ मेनी कितनी, कितना, इसका प्रयोग क्या करते हैं, संख्या बताने के लिए करते हैं, क्या बताने के लिए, संख्या के लिए, ठीक है ना, संख्या बताने के लिए करते हैं। और हाउ मच का प्रयोग किसका, इसका भी मतलब होता है कितना, है ना। जैसे आप कितना पानी पीते हैं, आप दिन भर में कितना पानी पीते हैं, है ना, तो इस तरह से ये क्या होता है, मात्रा, किसी चीज़ की मात्रा बताने के लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इन चीज़ को ध्यान रखिएगा, हाउ मेनी का प्रयोग संख्या बताने के लिए करते हैं, किसी चीज़ की संख्या, जैसे कितने स्टूडेंट हो गए, है ना, हाउ मच का प्रयोग मात्रा बताने के लिए करते हैं। तो यहाँ वे कितने पेंसिलें चाहते हैं, और जैसे ही हाउ मच हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं वाक्य में, इंट्रोगेटिव वाक्य में, उससे संबंधित नाउन भी लिखते हैं, क्या करते हैं, नाउन भी लिखते हैं। तो वे कितने पेंसिलें चाहते हैं, तो कितना पेंसिलों को गिना जा सकता है ना, तो क्या लगाएंगे, हाउ मेनी, यहाँ हाउ मच नहीं लगाएंगे क्योंकि पेंसिल गिन सकते हैं ना, मात्रा नहीं बता रहे हैं हम, यहाँ संख्या बता रहे हैं, तो हाउ मेनी। अब हाउ मेनी से संबंधित नाउन क्या है, पेंसिल्स, तो हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे वांट हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे वांट। नेक्स्ट वाक्य देखिए, रूबी का भाई तुम्हें गाली क्यों देता है, रूबी का भाई तुम्हें गाली क्यों देता है ना, तो क्यों, देखिए वाक्य के बीच में आ गया ना, तो जब भी कोई प्रश्नसूचक वाक्य प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगा, वाई। अब देखिए रूबी का भाई सिंगुलर है ना, जब रूबी का भाई सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, जैसे वाई लगाया उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, रूबी का भाई अकेला है तो वाई डज रूबीज ब्रदर एब्यूज यू, ठीक है, वाई डज रूबीज ब्रदर एब्यूज यू। तो ये था हमारा रिवीजन सेशन, जो आधारित था सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, आपके रिवीजन में जब आप घर पे बैठे हैं, स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। और जहाँ तक सीखने की बात है, अगर आपने पहले से वीडियो देखा है, पहले से कुछ पढ़ा है, तो उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही,
हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सगे संबंधियों को भी ये इम्पोर्टेंट जानकारी ज़रूर भेजिए।